Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jazakallah anna Muhammad amma wa ahlu. Assalamu alaikum students. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स का, जो कि हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो आज फोर्थ और सिक्स्थ जो फीचर्स हैं और ये कहें कि कंपाउंड्स हैं, वो है कम्प्लेक्सिटी और आइसोमरिज्म. अगर इसका मैं कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूँ तो मैं इस तरह कुछ अर्ज कर सकता हूँ कि मैं शॉर्ट बताने लगा हूँ बैकग्राउंड के कुछ कि मैं जो मॉडर्न डेफिनेशन आई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो ये थी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. लेकिन कुछ केमिस्ट ने कहा कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, या कार्बन होता है या हाइड्रोजन होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलवाए जाते. तो उसकी वजह क्या है? तो केमिस्टों ने ये जवाब दिया कि ठीक है, आपकी बात ठीक है कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन थे लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड शो नहीं करते. तो वो उनकी असल वजह यह है कि फीचर्स की बिना पर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ अपने फीचर्स हैं, कुछ अपने क्वालिटीज़ हैं जिनकी बिना पर हम इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक का नाम देते हैं. अगर यही फीचर्स इन ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड में पाए जाते हैं तो वो ऑर्गेनिक हो जाएंगे. मिसाल के तौर पर कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि इन ऑर्गेनिक, लेकिन इनमें कुछ ऑर्गेनिक वाली बातें भी बताई जाती हैं. तो उन्होंने फिर फीचर बताया कि अगर ये क्वालिटीज़, ये फीचर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले में पाई जाती हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. तो उनमें से चौथी और पाँचवीं आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं. तो ये मैंने शॉर्ट लिखा है ताकि टाइम बच सके. लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स होता है. ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स होता है. ये बंदा इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता इनके स्ट्रक्चर को, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक इस कायनात में 60 मिलियन से अबव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं इस कायनात में. ओके, फॉर एग्जांपल स्टार्च है, इसी तरह हमारे पास प्रोटीन है. स्टार्च का फार्मूला ये है, फार्मूला तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये एन भी हम लाजमी सवाल लगाते हैं. इसका मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते ये सैकड़ों में, हज़ारों में, बल्कि ये सैकड़ों से मिलियन की तादाद में हैं. ओके, इस तरह प्रोटीन है इजी टू इन, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है हम उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, तो जो फिफ्थ फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो है आइसोमरिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था कि सेम मालिकुलर फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनके मालिकुलर फार्मूला तो सेम होते हैं लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर फार्मूला होते हैं डिफरेंट होते हैं. मिसाल के तौर पर Cg2H6O है, ये यानी कि फार्मूला तो सेम ही है ये भी, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. देखें, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अल्कोहलिक फॉर्म में, हम इसको ईथर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यानी कि फार्मूला सेम ही है मालिकुलर, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट. इसी तरह ये देख लें तो ये एन ब्यूटेन है, ये तो वन ब्यूटेन है. तो कहने का मतलब कि फार्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफरेंट होता है. ये एन ब्यूटेन है, ये वन ब्यूटेन है. तो ये आज के छोटा सा टॉपिक था. अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा हमारे चैनल. अगर कोई मशवरा देना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हैं. जज़ाकअल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.